घर क्या है? क्या ये वो चार दीवारी या वो मकान है जिसे हम अपनी मेहनत और अपने पैसे से बनाते हैं, या वो हमारे वो अपने हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, या घर वो है वो यादें जिन्हें हम अपने दिल में महफूज रखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट नोमैडलैंड। नोमैडलैंड मूवी के बारे में बात करने से पहले नोमैड का मतलब जान लेते हैं। नोमैड मतलब एक ऐसे लोग जिनका कोई फिक्स घर बार नहीं होता है, जिनका कोई फिक्स प्रोफेशन नहीं होता है, जो लगभग रोज सफर करते हैं। नोमैड मतलब ऐसे लोग जो मानते हैं कि पूरी धरती उनका घर है। हिंदी की बात की जाए तो नोमैड को हिंदी में बंजारा भी कहा जा सकता है। Nomadland was released in America in February 2021. So, Nomadland is a movie based on a book by Jessica Trudeau. Nomadland is directed by Chloe Zhao, who is Chinese filmmaker. So, cast की बात की जाए तो cast में है Frances McDormand, David Strachan और बाकी की cast की बात की जाए तो बाकी की cast में professional actor नहीं है, रियल लाइफ नोमैड है, मतलब जो रियल में नोमैड की लाइफ जीते हैं उनको कास्ट किया गया है इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग होती है फर्न के कैरेक्टर से, जिनका रोल फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने निभाया है। सो अमेरिका में आई हुई आर्थिक मंदी की वजह से फर्न की सालों पुरानी जॉब चली जाती है, उनकी और उनके हस्बैंड दोनों की जॉब चली जाती है। सो उसके बाद क्या होता है, फर्न जो है वो अपना सारा घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नोमैड की जिंदगी जीने लगती है। बाकी की मूवी इसी बारे में है कि फर्न के कैरेक्टर जो सफर करता है, जिन लोगों से मिलता है, जहां जहां जाता है, जो लाइफ एक्सपीरियंस करता है। सो रेस्ट ऑफ द मूवी इज अबाउट दैट। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो मूवी की लीड एक्टर फ्रांसिस ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग काफी रॉ, काफी रियलिस्टिक और काफी नेचुरल लगती है। ऐसा कभी भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रही है, उनकी एक्टिंग एकदम एफर्टलेस लगती है। एक दो को छोड़कर मूवी में जो एक्टर है वो रियल लाइफ नोमैड है, मतलब दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर बट दे आर रियली लिविंग द नोमैड लाइफ। सो डायरेक्टर ने उनसे काफी अच्छी एक्टिंग करवाई है, क्योंकि जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं है उनसे एक्टिंग करवाना काफी काफी मुश्किल है। सो कुछ ऐसे सीन भी है जिनमें आप इन नोमैड की एक्टिंग देख के इमोशनल हो जाओगे। सो डायरेक्शन काफी अच्छा है। मूवी मोस्टली आउटडोर में शूट की गई है और मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ कुछ नेचर के ऐसे सीन है जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी कामिंग वाइब देता है, जो मूवी के साथ एकदम परफेक्ट बैठता है। जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है, जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, वो बैकग्राउंड के स्कोर से बहुत मेल खाता है। फैन ऑफ स्लो पेस्ड मूवी तो इस मूवी में आपको कभी कभी थोड़ी बोरिंग भी लगेगी। कुछ ऐसे मोमेंट्स में है जिसे आपको लगता है कि नींद आ रही है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो काफी स्लो जा रही है मूवी, तो आपको ऐसा महसूस होगा। और मूवी की एंडिंग जो है वो काफी अब्रप्ट है, सो मे बी यू लाइक इट। और मूवी में कुछ रियलिस्टिक और रॉ सीन है विच विल मे बी मेक यू अनकम्फर्टेबल। कुछ ऐसी मूवी होती हैं जो आपको आपकी लाइफ के बारे में सोचने पे मजबूर कर देंगी। इस मूवी में काफी सारी ऐसी थीम है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, जैसे कि व्हाट इज लाइक टू लिव विदाउट फैमिली, व्हाट इज इट इज लाइक टू ग्रो ओल्ड, व्हाट इज लोनलीनेस, व्हाट इज लाइक टू बी अनएम्प्लॉयड, एक जॉब खोने का दर्द क्या होता है, जो आप बेरोजगार है उसका दर्द क्या होता है। सो
ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे लाइफ जी रहा हूं, क्या इस दिस मूवी विल स्टे विथ यू इवन आफ्टर इट्स एंड. इफ यू लाइक क्रिटिकली अक्लेम्ड ऑस्कर विनिंग मूवीज इंस्टेड ऑफ दोज कमर्शियल मसाला मूवीज, यू विल श्योरली लाइक दिस वन. मैं इस मूवी को दूंगा 3 stars out of 5. सो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज रिव्यू के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.